वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू ऑल गाइज एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, फाइनली आरआरबी ने एनटीपीसी रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल 28 फरवरी को सभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जारी कर दिया है और इसी के साथ ही सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, जैसे कि क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस और उसके अलावा फॉर्म के स्टार्टिंग डेट, सिलेबस, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट ट्वेल्थ पास अप्लाई करने के लिए कितने परसेंट चाहिए होंगे और साथ में अगर आप लोग इसके लिए कई पोस्टें हैं तो क्या सभी पोस्टों पर आवेदन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है तो क्लियर हो गई हैं, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक और हम जल्दी जल्दी शॉर्ट डिटेल में कुछ बातें क्लियर करेंगे। उसके बाद जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उसमें चैप्टर वाइज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो इसका फॉर्म अप्लाई होना है वो आज शाम 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में जान लीजिए। रिक्रूटमेंट जो एनटीपीसी की आई हुई है वो ग्रेजुएट यानी कि जिनके पास डिग्री है और उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट यानी कि जो ट्वेल्थ पास आउट है उनके लिए भी ये जो डिग्री है, सॉरी ये जो वैकेंसी है वो आई हुई है। उसके अलावा यहाँ से अपना नोटिस स्टार्ट होता है और इस नोटिस की खास बात यह है कि इसमें 70 प्लस पीडीएफ दिए गए हैं, यानी कि इस पीडीएफ के अंदर पेजेस दिए गए हैं और इस पीडीएफ के अंदर आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट डेट में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट्स में जो ये पीडीएफ डाला गया है वो 28/2/2019 के डेट में पब्लिश किया गया है और उसके अलावा जो ओपनिंग है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन की जो ओपनिंग है वो 1/3/2019 से यानी कि आज के दिन से लगभग 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो क्लोजिंग है वो 31/3 यानी कि 31 मार्च तक लास्ट डेट होने वाली है और रात के 12 बजे से पहले की। उसके बाद बात कर लेते हैं फीस पेमेंट की, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं फीस पेमेंट आपका जो ऑनलाइन है वो 5 तारीख तक चलेगा यानी कि 5 अप्रैल तक और जो SBI का चलान होगा वो भी सेम रहेगा, पोस्ट ऑफिस का चलान से अगर आप लोग पेमेंट करते हैं वो भी डेट सेम ही है। और उसके बाद जो आपका फाइनल सबमिशन अप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल दिया गया है और जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो टेंटेटिवली शेड्यूल दिया गया है यहाँ पे बिटवीन जून टू सितंबर 2019 यानी कि जून से लेकर सितंबर के बीच में आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जैसे कि अभी आरआरबी ग्रुप डी में ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर टू दिसंबर, तो यहाँ पे जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी कि 4 महीने के अंदर आपकी जो CVD फर्स्ट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ग्रेजुएट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और जो अंडर ग्रेजुएट है उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, किन पोस्टों पर क्या एज होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए नंबर पर अपना अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके लिए ट्वेल्थ पास बोला गया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो जिनकी एज 18 से 30 साल है बिना रिलैक्सेशन से जनरल वाले 1/7/2019 से काउंट किया जाएगा, तो वो लोग जो है तो अंडर ग्रेजुएट यानी कि इन 5 पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं दिखा देता हूँ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइमकीपर, ट्रेंस क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए सभी के लिए आपका लेवल बता दिया गया है और पे लेवल भी बता दिया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम जो है तो 19,900 रुपये से स्टार्टिंग होगा और उसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे सभी के लिए वैकेंसीज दी गई है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, इस प्रकार से टोटल जो ट्वेल्थ पास वालों के लिए 10,628 पोस्टों पर वैकेंसीज हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे मेडिकल के बारे में बात करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है C2, C2, C2A3, B2, इन सभी का अपना ही अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसके अंदर अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए C2 में कोई चश्मा पहन सकता है तो A3 में चश्मा नहीं पहन सकता, हालांकि एक एग्जाम्पल है बट अभी मैं नीचे जाऊँगा तो आपको मेडिकल के बारे में भी बता दूंगा। और एक चीज़ और, आप सभी जो ट्वेल्थ पास है अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो ग्रेजुएट वाले हैं वो भी ट्वेल्थ पास वाले में आवेदन कर सकते हैं, साथ में वो ग्रेजुएट वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ग्रेजुएट के बारे में बताया गया है, ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी के साथ डिग्री होनी चाहिए। अगर किसी के मन में डाउट है कि कोई डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकता है तो बिल्कुल नहीं, डिप्लोमा वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे सीधा बता दिया है कि डिग्री चाहिए और एज आप
आपका 18 से 33 साल होना चाहिए बिना रिलैक्सेशन के, एक साथ 2019 से काउंट किया जाएगा। और अगर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो आप लोग जो है तो सीधा सीधा 38 यानी कि 38 वाले एज तक अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो ग्रेजुएट के लिए पोस्टें हैं लगभग 8 तरह की पोस्टें हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट टिकट क्लर्क, और उसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। और सभी के लिए जो पे लेवल है वो अलग अलग है। आपको बता दें कि सबसे जो मिनिमम वो 25,500 ट्रैफिक असिस्टेंट से स्टार्ट होगा, और जो ग्रेजुएट वाले में सबसे हाई पोस्ट है वो है कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर की, जिसमें जो 35,400 से आपका स्टार्टिंग होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड ध्यान रखिएगा और टोटल वैकेंसीज ध्यान रखिएगा। हालांकि आप लोग सभी वैकेंसी सभी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का एक वीडियो आएगा इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जो आज शाम के 4 बजेंगे वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि क्या आप रनिंग में हैं, जैसे कि जिसका फाइनल ईयर है क्या वो आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है तो कम्प्लीटली मना कर दिया गया है, जिनके हाथ में डिग्री है, जो 12वीं पास हो चुका है या फिर जो अपना BSc BA जो कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन कम्प्लीट है, डिग्री है उसके पास, तो वही बस आवेदन कर सकता है। हाँ, अगर आपका जो फाइनल रिजल्ट वो 31/3/2019 तक आपके हाथ में आ जाता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे रनिंग वाले। ध्यान रखिएगा अपना मोबाइल नंबर जो वैलिड है, एक्टिवेट पर्सनल ईमेल आईडी जो है वो आप लोग प्रोवाइड करेंगे जब आप लोग फॉर्म सबमिट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का मैसेज देने के लिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको आगे बता देता हूँ, क्योंकि 70 पेज का PDF है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट में। आप लोग यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2 अभी ओपन है और हमारे पास लगभग 70 पेजेस हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके बाद इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक चीज़ इसमें रीड कर लीजिएगा, और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आगे जा रहा हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट दिखेगा मैं उसको आपको बता दूंगा। सिलेक्शन के बारे में बात करी गई है तो यहाँ पे आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल ध्यान रखिएगा, जो मेडिकल स्टैंडर्ड की मैंने बात करी थी, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पूरा विजुअलिटी क्लियर किया गया है, ग्लास वाला, नाइट विजन और जो भी टेस्ट होंगे जितना भी वो, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। A3, B2, C2 सभी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा तभी आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग मेडिकल में छट जाएंगे। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए या फिर नेपाल या फिर भूटान भी चल जाएगा। उसके अलावा जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एज लिमिट की बात की गई है तो उसमें आपको छूट भी मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है जो आपका छूट है, रिलैक्सेशन है, वो अलग अलग पोस्ट के थ्रू होगा। और उसके अलावा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किसको कितना छूट मिलेगा, जो कि OBC में है, NCL वाले उनको 3 साल का, ST/SC वालों को 5 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है यहाँ पे देख सकते हैं, URO/OBC, NCL, ST/SC सभी के लिए अलग अलग हैं। मिनिमम 35, 33, 30 वर्ष वाले अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी छूटें आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जिस भी बैकग्राउंड से आप हैं, सिंपल है, नॉर्मल है, एक्स सर्विसमैन है या फिर जो भी आप लोग चाहते हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा और सर्टिफिकेट साथ आपको छूट भी मिल जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, सेम रहने वाला है, ₹500 आपका टोटल जो खर्चा होगा जनरल वालों का। और उसके अलावा जब फर्स्ट स्टेज CBT एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में ₹400 वापस कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, ST/SC वाले हैं, उनको ₹250 और इनका पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। हालांकि ये 250 वापस नहीं होंगे, ₹10 बैंक चार्ज लगेगा, और ये 400 पूरे वापस नहीं होंगे, 390 ही होंगे, क्योंकि ₹10 बैंक वाले काट लेते हैं, जैसे कि अभी हमको ग्रुप D वाले में देखने को मिला था। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों में लोगों के एक एक चीज़ क्लियर किया गया है, जैसे कि आपका इस बार कितने लोग जो है तो छटेंगे, कितने गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, हम अभी आगे देखने वाले हैं। लाइन से चलते हैं, जो भी हमको देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट चीज़ वो हम आपको बता देंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काफ़ी लंबा पीडीएफ है, और उसके अलावा इस पीडीएफ के अंदर आपका जो क्या बोलते हैं उसको सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया गया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम 90 मिनट का रहेगा, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी के रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इस प्रकार से टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 रहेंगे। और लगभग आपका ड्यूरेशन यहाँ पे बताया गया, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स के लिए, जो कि PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको 120 मिनट यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा, 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा जो है तो निगेटिव मार्किंग का रहेगा, यानी कि अगर आप लोग 3 गलत करते हैं क्वेश्चन तब आपका एक सही के बराबर कट जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके सिलेबस का कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिलेबस के अंदर मैटर करेंगी। और उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है तो इसको CVT फर्स्ट को क्लियर करने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिनिमम जो है तो UR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30, SC के लिए 30, ST के लिए 25, और जो आपका रिलैक्सेशन है वो भी इसमें लागू होगा, तो 2% का PWD वालों को, BD वालों को रिलैक्सेशन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें, जो ग्रुप डी में हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे भी है, मिनिमम जो है तो मेरिट में आने के लिए आपको चाहिए होगा। यहाँ पे CVT2 की बात करी गई है, हालांकि ये अभी इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप लोग देख लीजिए फिर भी CVT2 में कितने लोग जाएंगे। यहाँ पे भी CVT2 का सबसे पहले बताया गया है कि क्या होने वाला सिलेबस, तो एग्ज़ाम टाइम 90 मिनट का ही रहेगा, और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर, मैथमेटिक्स 35, जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग के 35, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 120 के तकरीबन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम ऑफ वैकेंसीज स्टेशन मास्टर, 8 टाइम जो है तो स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा कि बुलाया जाएगा। टाइपिंग स्किल जिसमें टाइपिंग मांगा गया होगा वो भी आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। और टाइपिंग के लिए लगभग आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रेन का क्लर्क, कमर्शियल कम टाइप, टिकट कलेक्टर वालों में नहीं दिया गया है, बाकी टाइपिंग स्किल टेस्ट लगभग सभी में जो है तो इम्पोर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की गई, तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा फर्स्ट स्टेज में भी और सेकंड स्टेज में भी, सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि फार्मूला बताया गया नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होगा, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये ग्रुप डी में भी लागू हुआ है इस बार नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद जो होगा तो आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। अभी तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन देखते हैं कब तक ये अपडेट निकल के आती है और रिजल्ट कब तक आता है। उसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और भी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। इनके कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है तो एप्लीकेशन में सुधार भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, अगर आपका इनवैलिड फ़ोटोज़, अकाउंट फ़ोटो कुछ भी जैसे कि सही नहीं हुआ सिग्नेचर वगैरह, या फिर धुंधला हुआ जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड वगैरह जो फ़ोटो का बोला गया होगा, आप लोग रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है तो 70 पेज का PDF जो है तो आपके सामने एक एक चीज़ बताना नामुमकिन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है तो अगर आपको कोई भी डाउट होता तो नंबर्स दिए गए हैं, जोन वाइज आप लोग कॉल कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा चीज़ रेलवे जोन वाइज बताया गया है, तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको जो है तो ये फॉर्म सबमिट करना होगा इनके पास। ये 2 पेजों का PDF है, लगभग अभी हम लोग 40 पेज पे हैं, अभी 30 PDF इस तरह के और बचे हुए हैं जिन पे लगभग सभी चीज़ें क्लियर करी गई हैं। तो इनको छोड़िए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस बार कितने लोगों का सिलेक्शन होना है और किस जोन से, मतलब कि कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो अपना सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था इसी के पैराग्राफ में बताया गया था
कि कितना जो है तो आपको बुलाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन होगा फर्स्ट स्टेज सीबीटी में, उसके बाद जो वैकेंसीज होंगी टोटल उसके 10th+2 लेवल में और ग्रेजुएट लेवल में, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड सेल 20 times द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज। तो 20 times जो है तो वैकेंसीज का बुलाया जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग लगा सकते हैं कि अगर 1000 वैकेंसीज है तो 20,000 लोगों को बुलाया जाएगा, अगर 1,00,000 वैकेंसीज है तो 20,00,000 लोगों को बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए अपीयर करने के लिए। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया 20 times, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि ग्रुप डी में कहा गया था लगभग 2 times या फिर 3 times, इसमें सीधा सीधा 20 times कह दिया गया है। अगर उसमें 1,00,000 पोस्टें हैं टोटल, तो उसमें 2 times यानी कि 2,00,000 लोगों को, यहाँ पे अगर 1,00,000 पोस्टें हैं, 1,50,000 पोस्टें हैं, तो यहाँ पे 20 times तो सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे। बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, जैसे कि सिलेबस का फुल डिटेल वगैरह सभी चीज़ें। अगर आपको जानना है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।